गाइस यार सुबह से दोपहर हो गई पर अभी तक शिनचैन नहीं आया। उसके तो स्कूल की छुट्टी भी कब की हो गई है। एक काम करता हूँ, चॉप से जाके पूछता हूँ। चॉप मेरी बात सुन। हाँ बोलो ना फ्रैंकलिन भैया, ये शिनचैन कहाँ पर है? अभी तक नहीं आया, कहीं घूमने तो नहीं चला गया? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर वो कहाँ पर है? अच्छा आपको नहीं पता क्या? अरे उसके स्कूल में कल रेसिंग का कॉम्पिटिशन है, इसलिए वो प्रैक्टिस के लिए आज स्कूल ही रुका है। क्या बात कर रहा है, शिनचैन और प्रैक्टिस? वैसे वो प्रैक्टिस कर किसके साथ रहा है? अरे वो सोनिक के साथ गया है, उससे अच्छी भागने की प्रैक्टिस कौन ही करा सकता है। क्या बात कर रहा है, फिर तो अपने को भी जाके देखना चाहिए। हाँ मेरा भी कब से मन कर रहा है। तो फिर जल्दी से मेरे पीछे आ जा। जल्दी जल्दी जाते गाइस। कहाँ गई मेरी गाड़ी? ये रही। अब जल्दी से जाके अंदर बैठता हूँ। चौप यार तू भी जल्दी से आ जा। बस थोड़ी देर रुको, मैं पहुँचने ही वाला हूँ। तब जल्दी से चलते गाइस। अबे यार मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा, मुझे देखना शिनचैन कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आलसी है। अरे हाँ ये बात तो आपने एकदम सही बोली, वो तो मुझे भी देखना है। अरे जल्दी पहुँचने के चक्कर में ज्यादा तेज मत भगाना, कहीं गाड़ी ठुक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे यार हरदम नेगेटिव ही बोलता है, कभी तो पॉजिटिव बोल। मैं तो पॉजिटिव ही बोलता हूँ, पर आपके साथ जब भी गाड़ी में बैठता हूँ ना मैं डर जाता हूँ। तो अभी डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पहुँच गए। अब जल्दी से गाड़ी को यहाँ पर रोकता हूँ और फटाफट उतरते गाइस। शिनचैन यही कहीं पर होना चाहिए। वैसे हम लोग सीधा ग्राउंड में आए और वो रहा शिनचैन। एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर तो शैडो भी है। अरे ये क्या फ्रैंकलिन भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुझे देखने आया था। अरे ये क्या बात हो गई, अब तो मुझे रोज देखते हो। अरे मतलब कि तू प्रैक्टिस कर रहा था ना, वो देखने आया था, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। अच्छा इसी बात है क्या? और सोनिक तुम कैसे हो? मैं तो एकदम मस्त हूँ, तुम बताओ? मैं भी चंगा हूँ भाई। वैसे एक बात बताओ, शैडो यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया दरअसल बात ऐसी है ना कि सोनिक मुझे प्रैक्टिस करवा रहा था, फिर सोनिक भैया को ढूंढते ढूंढते शैडो भैया यहाँ पर आ गए। वैसे तुम दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो? शैडो मेरे बड़े भाई जैसा है, वो हमेशा से मुझे ट्रेन करता आया है। क्या बात कर रहा है, शैडो तुझे ट्रेन करता है? हाँ ये बात एकदम सच है। अरे मुझे जानना है तुम दोनों मिले कैसे। अरे शिनचैन ये मैं तुमको कैसे बताऊँ? वैसे शैडो तो नहीं बता सकता, पर एक तरीका है। अरे कौन सा तरीका? हम लोग टोनी के पास जाते हैं, वो पक्का बता देगा। अरे वो क्या बात बोली है, तो जल्दी से सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। जल्दी जल्दी जाते गाइस। सब लोग बैठ गए? अरे हाँ सब लोग बैठ गए। तो फटाफट गाड़ी को भगाते हैं और जाते सीधा टोनी के पास। वैसे गाइस मुझे भी आज ही पता चला कि शैडो सोनिक के बड़े भाई जैसा है। ये लोग कहाँ पर मिले, कैसे मिले, ये सब जानने में बहुत मजा आएगा। और ये देखो हम लोग पहुँच भी गए। अरे हाँ ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो गाइस जल्दी से गाड़ी को यहाँ पर रोकते हैं और ये मैंने रोक दी। सब लोग जल्दी से उतरो और सीधा अंदर आ जाओ, काश के टोनी यहीं पर हो। फटाफट भागता हूँ गाइस। ये क्या, टोनी तो यहीं पर है। और फ्रैंकलिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दरअसल मैं यहाँ एक काम से आया था और मुझे पता है वो काम तुम ही कर सकते हो। वो तो मुझे पता ही था, तुम बिना काम के यहाँ पर कभी भी नहीं आते। बोलो क्या काम है? अरे ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ आपको। दरअसल हमें एक जन की स्टोरी देखनी है और आपको हमें बतानी पड़ेगी। स्टोरी? किसकी स्टोरी? अरे दरअसल हमें शैडो और सोनिक की स्टोरी देखनी है, वो दोनों कैसे मिले, कहाँ मिले। फिर तो मेरी स्टोरी देखने का कोई मतलब ही नहीं, तुम शैडो भैया की स्टोरी देख लो। अच्छा ठीक है भाई, तुम जैसा कहो, हमें तो दोनों ही चलेंगे। और ये दोनों तुम्हें मिले कहाँ पर? अरे दरअसल शैडो सोनिक और शिनचैन को प्रैक्टिस करवा रहा था भागने की, क्योंकि शिनचैन का कल स्कूल में रेस कॉम्पिटिशन है। अब ये सब छोड़ो, जल्दी से स्टोरी को स्टार्ट करो। अच्छा ठीक है, रुको रुको, मैं अभी जाके मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ। तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा घाई में लग रहे हो। और ये मैं पहुँच गया, सब लोग तैयार हो जाओ, मैं मशीन को स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया। तो गाइस हम लोग तो तैयार है, आप लोग भी तैयार हो जाओ। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं शैडो की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 5 साल के शैडो से, जिसे उसके मास्टर ने बुलाया था। फिलहाल हमारा शैडो बहुत ही मासूम है और बहुत ही कमजोर। पता नहीं मास्टर ने मुझे क्यों बुलाया होगा। मास्टर कहाँ पर हो आप? ये रहे मास्टर। मास्टर मैं आ गया हूँ, आपने मुझे बुलाया था। हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था, अब समय आ चुका है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी ताकि तुम्हारी ताकतें बढ़े। और मैं तुम्हें जो मिशन देने वाला हूँ उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। ये आप क्या बोल रहे हो? वो सब तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, अब तुम बच्चे नहीं रहे। और अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हें पता है अंजाम क्या होगा। अब जैसा बोलोगे मैं करूँगा। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। अरे पर कहाँ पर? अरे बाप रे ये मैं कहाँ पर आ गया, ऐसा लग रहा है मैं किसी पहाड़ पर हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करता हूँ आगे जाके देखा हूँ। अरे ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे भालू है, जरा देखो तो सही, इन्हें देख के तो मुझे डर लग रहा है। प्लीज मुझे मत खाना, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ। ये क्या डरपोक, तुम इनसे डर क्यों रहे हो? क्योंकि ये बहुत ही गुस्से से देख रहे हैं। एक काम करता हूँ इन्हें अपना दोस्त बनाता हूँ, क्या तुम लोग मेरे दोस्त बनोगे? अरे बाप रे ये लोग तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अरे नहीं ये लोग तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी भागना होगा। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तो इतना तेज भी नहीं भाग सकता, अभी मेरे पास कोई भी ताकतें नहीं है। सोनिक के पास अभी कोई भी पावर नहीं थी, पर ये उसका पहला चरण था जहाँ उसे अपनी पहली पावर मिलती है। मुझे थोड़ा और तेज भागना होगा, जल्दी जल्दी भागता हूँ। अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, मेरी स्पीड तो अचानक से बढ़ गई, इससे पहले मैंने इतना तेज कभी नहीं भागा। अरे ये मैं कहाँ पर आ गया, ये तो कोई और ही जगह है, और ये रोबोट तो हमारे लैब का है। तुम्हें इससे लड़ाई करनी होगी, ये तुम्हारा दूसरा चरण है। अच्छा
ठीक है। अरे ये तो बोलते ही पीछे आ गया। प्लीज ऐसा मत करो, मैंने आज से पहले कभी भी किसी रोबोट से लड़ाई नहीं की। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बाप रे, ये तो बहुत तेज मार रहा है, मुझे लगता है मुझे इसे मार के देखना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी मारता हूँ, ये लो और ये लो। अरे बाप रे, इस बार तो इसको छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे मारा कैसे? एक बच्चे को कोई इतना मारता है क्या? तुमने बहुत बड़ी गलती की। ये लो और ये खाओ और अब ये भी खाओ। अरे ये क्या, ये तो हिल ही नहीं रहा है। मुझे लगता है मैंने इसे मार दिया। मास्टर, मैंने कर ही दिखाया। वाह बच्चे, तुमने दूसरा टेस्ट भी पार कर लिया। अब एक काम करो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ, पर मैं आऊंगा कैसे? अरे ये क्या हो रहा है, वाह क्या बात है, मैं तो फिर से लैब में आ गया। मास्टर, आखिरकार मैंने कर ही दिखाया, अब बताइए मुझे क्या करना होगा? मुझे जल्दी से वो मिशन दीजिए। वाह बच्चे, तुम्हें तो बहुत ही घाई है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें खास मिशन दे रहा हूँ और वो तुम्हें किसी भी हालत पर करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अभी जिसे मारने के लिए भेज रहा हूँ वो मुझे फ्यूचर में मार सकता है, और वो तुम्हें एक ब्लू गाड़ी के अंदर मिलेगा। उस गाड़ी का लोकेशन मैं तुम्हें देता हूँ, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम मेरे खास बन जाओगे, और अगर नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा नहीं होगा मास्टर, मैं वो करके दिखाऊंगा। पता नहीं वो गाड़ी मुझे कहाँ पर मिलेगी। ऐसे तो मास्टर ने मुझे लोकेशन दे दी है, पर पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। एक काम करता हूँ, स्लिप से जाता हूँ। अरे ये क्या, ये तो एक रोबोट है जिसे कि मास्टर ने बनाया था। बच्चे मुझे पता है तुम क्या करने जा रहे हो, मास्टर ने तुम्हें जो मिशन दिया है वो तुम्हें करना होगा, और वो भी किसी भी हालत में। उसकी चिंता तुम मत करो, मास्टर ने मुझे मिशन दिया है और वो मैं कर लूंगा। मैं तुम जैसे किसी टीन के डब्बे की बात नहीं मानूंगा। ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, पहले जाओ वो मिशन करो। अगर तुमने मालिक की बात नहीं मानी तो मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब जाओ यहाँ से। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ? मुझे लगता है मैं उस लोकेशन पर ही हूँ जहाँ पर वो गाड़ी है। यहाँ पर कोई तो खड़ा है, एक काम करता हूँ उनसे जाके पूछता हूँ। ये क्या है छोटी सी चीज, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर एक गाड़ी की तलाश में आया हूँ, और वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। मुझे लगता है तुम उसी गाड़ी की तलाश में हो जिसकी तलाश में हम लोग हैं। ये मेरा मिशन है और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम तुम्हारे साथ मिलके काम करेंगे एक टीम की तरह, पर डील ये है कि उस गाड़ी में जो होगा वो तुम्हारा और वो गाड़ी हमारी। बोलो तुम्हें मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है। अब जल्दी जल्दी उस गाड़ी के पास जाता हूँ, उसकी लोकेशन यही कहीं से आ रही है। अरे यहाँ पर तो रास्ता खत्म हो रहा है। एक मिनट, वो क्या, मुझे लगता है यही वो गाड़ी है जिसके बारे में मास्टर बात कर रहे थे। अरे ये क्या हो गया, मेरा पैर फिसल गया, मैं तो सीधा नीचे की तरफ जा रहा हूँ और वो गाड़ी यहाँ से चली जाएगी। मुझे जल्दी जल्दी उसका पीछा करना पड़ेगा। जल्दी से उठो। ये क्या कर रहे हो बच्चे, जल्दी जल्दी भागो, वो चीज मुझे किसी भी हालत में चाहिए। अरे मैं भाग ही तो रहा हूँ, ये किसकी आवाज है? एक मिनट, ये तो मेरे दोस्त है जो कि मेरे साथ काम करना चाहते थे। एक काम करता हूँ, इनकी बाइक पर जाके बैठता हूँ। अब जल्दी से गाड़ी को भगाओ। शैडो वही करता रहा जो उसके मास्टर ने उसे कहा था, पर उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो गाड़ी किसकी है, उसके अंदर क्या होगा, और उसके मास्टर को वो इंसान क्यों चाहिए। क्या शैडो ये मिशन कर पाएगा या फिर वो फेल हो जाएगा? फिलहाल तो उसके दोस्त भी उसके साथ ही है जो कि पूरी तरीके से उसकी मदद कर रहे हैं, पर ये दोस्ती उसके कितने काम आती है, चलिए देखते हैं। अरे बाप रे, वो गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मुझे किसी भी हालत में उसे पकड़ना होगा। एक काम करो, मेरे पास एक प्लान है, जल्दी से उस गाड़ी के पास लो, मैं जल्दी से उस गाड़ी पर जंप लगा लूंगा, बस यही पर। ये मैंने मारी जंप। चलो आखिरकार मैं इस गाड़ी पर पहुंच ही गया हूँ, पर मुझे इसे रोकना होगा। एक काम करता हूँ, इस गाड़ी पे बम लगा देता हूँ, और ये मैंने लगा दिया, अब ये कुछ ही देर में फटने वाला होगा। 3, 2, 1 और ये फट गया। वाह क्या बात है, आखिरकार मेरा प्लान काम ही आया। इसमें से तो कुछ गिरा है, जल्दी से जाकर देखता हूँ। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है, बस इसका कलर चेंज है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो कौन? मेरे मास्टर ने तुम्हें मारने के लिए भेजा था। मेरा नाम सोनिक है और मैं उस मूछ वाले अंकल से भाग रहा हूँ। अभी तक तो मैं बच गया, पर आज तुमने मुझे पकड़ लिया। प्लीज मुझे मत मानना, तुम भी मेरे जैसे ही हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। आज से हम दोनों दोस्त हुए। अच्छा ठीक है भैया, आज से मैं आपको भैया ही बोलूंगा, आप बनोगे ना मेरे भाई? ये यहाँ पर क्या चालू है भरत मिलाप, तुम्हें पता है ना तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें क्या मिशन दिया था? अगर तुमने वो नहीं किया तो तुम्हारे मास्टर तुम्हें मार देंगे, और उस टाइम हम तुम्हें बचाने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं है कि वो है कौन। ये बात तो तुमने एकदम सही बोली, मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ। सोनिक तुम मेरे साथ आ जाओ, हमें यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि मास्टर यहाँ पर पहुँचे या फिर उनके रोबोट, क्योंकि उनके रोबोट बहुत ही खतरनाक होते हैं। शैडो ने उसके मास्टर की बात नहीं मानी, अब वो बहुत ही बड़े खतरे में था। दिन बीते, हफ्ते बीते और महीने बीत गए, देखते ही देखते कई साल बीत गए। अब हमारा शैडो 20 साल का हो चुका था, तो आइए जानते हैं तब की स्टोरी। अब तो मुझे सोनिक के साथ कई साल हो चुके हैं। सोनिक तुम तैयार हो? मुझे तुम्हें प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी ताकि आने वाले खतरे का हम सामना कर सके। आ जाओ। अच्छा ठीक है, अभी आता हूँ। ये लो और ये भी लो, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा और मुझे हरा कर दिखाना होगा, तभी मैं समझूंगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है। आपको तो मैं आसानी से हरा लूंगा, आखिर में मैंने आपसे ही सीखा है। अच्छा बच्चे, ये बात है, जरा देखते हैं किसमें कितना दम है। मैं तुम्हें एक पावर पंच दूंगा और ये लो। वाह क्या बात है, ये तो सीधा बाहर ही हो गया। अभी भी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम दोनों ये खेलना बंद करो, यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। क्राइम काफी ज्यादा बढ़ चुका है, हमें तुम दोनों की जरूरत है। तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और जो हो रहा है उसे रोकना होगा। पता नहीं ऐसा भी क्या हुआ होगा, जल्दी से जाके देखता हूँ। सोनिक तुम यहाँ पर पहुँच भी गए, तुम कब आए यहाँ पर? मेरी स्पीड आपसे बहुत ज्यादा है, आप मुझे कभी नहीं हरा सकते। तुम तो बहुत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। चलो मुकाबला कर ही लेते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा
ज्यादा तेज है। हम लोग यहाँ से भागेंगे और जो भी लोकेशन पर पहले पहुँचेगा वो जीत जाएगा। चलो शुरू करते हैं, अब जल्दी जल्दी भागता हूँ, मुझे कैसे भी करके सोनिक से आगे भागना होगा। एक काम करता हूँ, अपनी स्पीड को बढ़ाता हूँ, आज तो साबित करके रहूंगा कि मैं उससे ज्यादा स्पीड हूँ और मुझे इस चीज में कोई नहीं हरा सकता। आखिर में मैं उसके बड़े भाई जैसा हूँ। जल्दी 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 जल्दी, चलो आखिरकार मैं लोकेशन पर पहुँच गया। लोकेशन इसी बिल्डिंग की थी। अरे ये क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सोनिक यहाँ पहले कैसे पहुँच गया? तुमने पक्का चीटिंग करी होगी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं आपसे ज्यादा स्पीड भागता हूँ, इसमें आप मुझे नहीं हरा सकते, अब मान भी लो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा स्पीड भागते हो। तुम्हें कुछ पता चला हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया था? जरा अपने ऊपर देखो, वहाँ पर कुछ तो चल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। अरे ये क्या, ये तो एमी है। बचाओ बचाओ प्लीज, मुझे कोई बचा लो। वो तो एक मेका रोबोट है। सोनिक मेरी बात सुनो, तुम्हें यही पर रहना होगा, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, मुझे वहाँ अकेला जाना होगा। नहीं भैया, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं भी आपके साथ आऊंगा। मैंने कहा ना तुम यही पर रहो। जल्दी जल्दी जाता हूँ। एमी चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। मुझे जल्दी जल्दी इस बिल्डिंग पर चढ़ना होगा। चलो फाइनली मैं पहुँच गया। ये रहा वो रोबोट, सुनो मेरी बात, तुम्हें एमी को छोड़ना होगा वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुमने मालिक को धोखा दिया तो मैं तुम्हें खुद मारने आऊंगा। मुझे पता था जब मैं तुम्हारी दोस्त को मारूंगा तो तुम यहाँ पर पहुँच जाओगे और तुम मेरे झांसे में फंसी गए। आज ये तो मरेगी ही, साथ में तुम भी मरोगे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं बच्चा नहीं रहा, अब तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। अगर है हिम्मत तो मुझसे लड़के दिखाओ। अच्छा ऐसी बात है, कुछ सालों में तुम्हारे पर निकल आए, पहले तुम हमसे डरते थे, अभी हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। एक बात ध्यान रखना, हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें नहीं। और अगर ऐसी बात है तो आओ मुझसे लड़ो, तब पता चलेगा कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। हिम्मत है तो आ जाओ, मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगा। ये लोग कहाँ पर गए? अभी तो यही पर थे। और एमी भी गायब हो गई। ये रहा वो, अरे बाप रे, इसने तो आते ही मारना शुरू कर दिया। ये गलत बात है, तुमने पीठ पीछे वार किया है, हिम्मत है तो सामने से आते। ये लो और अब ये दिखाओ, मैंने तुम्हें पहले कहा था तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जाओ यहाँ से सीधा नीचे। और अब ये लो, मुझे इसका पीछा करना होगा, ये इतना जल्दी नहीं मर सकता, मुझे पता है इसके बारे में। मैं का रोबोट में आ रहा हूँ, कहा गया वो यही कहीं पर गिरा होना चाहिए था। ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ये लो, तुम मुझे मारोगे, अब ये खाओ और ये खाओ। तुमने एमी के साथ क्या किया? मुझे एमी रोज चाहिए किसी भी हालत में। अब ये लो, कहाँ पर गए? ये खा। वाह क्या बात है। अब ये लो, ये पावर्स तुम्हारे पास नहीं है और तुम मुझे नहीं हरा सकते, वो तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। ये लो और ये खाओ। और अब ये भी लो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, अब तुम मेरी पावर के सामने कुछ भी नहीं हो। अच्छा ऐसी बात है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये लो। अरे वो कहाँ भाग गया? अभी तो यही पर था, वो रहा वहाँ ऊपर, एमी भी वही पर है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें क्या मैं बच्चा लगता हूँ जो तुम मुझे धमकी दोगे और मैं मान जाऊंगा? एक बात याद रखना, तुम्हें मास्टर के पास वापस आना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आज तो तुम मेरे हाथ से मरोगे। अच्छा ऐसी बात है, फिर मिलते हैं कहीं पर। अरे ये क्या, ये तो गायब हो गया। सोनिक मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर तो मास्टर है, प्लीज उसे छोड़ दो। अरे यार ये तो उसे भी लेके चला गया, मेरे हाथ से दोनों जन चले गए। मुझे सोनिक को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मुझे उसे किसी भी हालत में ढूंढना होगा। सोनिक तुम चिंता मत करो, छोटे भाई मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उनके लैब में जाके उन्हें ढूंढूंगा। अरे बाप रे ये क्या है, और ये मुझे कौन मार रहा है? ये तो मास्टर का रोबोट है, इससे तो मैं पहले भी लड़ चुका हूँ, पर ये वाला कुछ ज्यादा ही ताकतवर लग रहा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। नहीं, शैडो ने बहुत कोशिश की पर वो नाकामयाब रहा। वो रोबोट उसे उसके मास्टर के पास ले गया और उसके मास्टर ने उसे वापस से बदल दिया। अब हमारा शैडो एक मेका शैडो था और शैडो की एज थी 50। अब देखते हैं आगे। पता नहीं मास्टर ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा होगा, यहाँ पर तो वो रोबोट भी है जिससे मुझे सख्त नफरत है, पर अब मेरी मजबूरी है। बताओ मुझे क्या करना होगा और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन तुम हमारे कंट्रोल में आओगे और वो दिन आ गया। मास्टर ने तुम्हें एक मिशन दिया है, तुम्हें इस इंसान को मारना होगा, ये हमारे काम के बीच में आता है, पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ही गलत है। मैं इसे कैसे मार दूं? मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना करो वरना मैं तुम्हारी चिप को बंद कर दूंगा और तुम यहीं पर मर जाओगे, समझे मेरी बात? अब जल्दी से मैंने जो कहा है वो करो। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मुझे माफ कर देना। मुझे लगता है यही वो है जिसे मुझे मारना है, जल्दी से निशाना लगाता हूँ। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें मैं बुरे काम करने नहीं दूंगा, उसके लिए भले मुझे मरना पड़े तुम ऐसा करके बचोगे नहीं। मेरी बात को याद रखना, मुझे माफ कर देना पर मुझे तुम्हें मारना होगा। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मुझे माफ कर देना। ये लो, मुझे जल्दी जल्दी भागना होगा। एक काम करता हूँ, अंदर जाके छुपता हूँ, यहाँ वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। पर मैं छुपूंगा कहाँ पर, यहाँ तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, कोई और रास्ता होगा। एक काम करता हूँ, नीचे जाके छुपता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए मुझे कोई ना कोई जगह ढूंढनी होगी। सामने एक कमरा है, एक काम करता हूँ वहाँ पर जाके छुपता हूँ, यहाँ पर भी ऐसी कोई जगह नहीं है, मुझे लगता है इस साइड होगी। जल्दी जल्दी जल्दी, अरे ये क्या, यहाँ पर तो रास्ता बंद हो गया। अरे ये क्या, ये तो आ गया। मेरी बात सुनो, तुम जैसा कहोगे मैं करूंगा, पर मैं किसी को मार नहीं सकता, तुम मुझे कोई और मिशन दे दो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुमने गलती की है और ये तुम्हारी आखिरी गलती थी, अब तुम मरोगे और वो भी मेरे हाथों, जो कि मेरी कब की इच्छा थी। अब तुम गए।
अरे ये क्या हो गया, ऐसा लग रहा है इसको किसी ने मारा है। जरा जाकर देखता हूँ, पता नहीं कौन होगा। अरे ये क्या, ये तो मेरे दोस्त है, मुझे काफी सालों बाद मिले हैं। तुम लोग कैसे हो, तुम्हें देख के बहुत ही खुशी हुई, मुझे लगा नहीं था तुम कभी आओगे वापस। तुम हमारी टीम के हो और तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम्हें जो भी हाथ लगाएगा वो मारा जाएगा। अब जल्दी से जाओ यहाँ से और जाके अपने भाई और बहनों को ढूंढो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, वैसे भी वो बहुत बड़े खतरे में है। अब मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी से। तुम दोनों को मैं कितना थैंक यू बोलूं, अगर तुम दोनों नहीं होते तो आज मैं मारा जाता। चलो मैं चलता हूँ, मुझे जाके सोनिक को भी बचाना है और एमी भी उनके पास ही है, जल्दी जल्दी जाता हूँ। शैडो कई साल तक सोनिक और एमी को ढूंढता रहा और 50 सालों बाद उसे उसका पता चल गया। अब शैडो की एज थी 99 ईयर। आखिरकार मुझे उन लोगों का पता चली गया। एक मिनट, ये किसका फोन है? बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम एकदम सही लोकेशन पर हो, वो लोग तुम्हें यहीं पर मिलेंगे। हाँ बच्चे, वो जो ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो लोग उसी में है, तुम्हें जल्दी से जाना होगा। अच्छा ठीक है, अभी जाता हूँ। ये क्या, यहाँ पर तो रोबोट्स खड़े हैं, मुझे लगता है ये लोग पहरा दे रहे होंगे, मुझे इन्हें खत्म करना होगा। जल्दी से निशाना लगाता हूँ। ये ले, यहाँ पर एक और है, जल्दी से इसको भी मारता हूँ। अरे ये क्या, ये तो वापस से खड़ा हो रहा है। ये ले, यहाँ पर तो मुझे लगता है बहुत सारे रोबोट है, मुझे आराम से काम लेना होगा, ये तो वापस से उठ रहा है। ये ले, चलो ये तो गया। एक काम करता हूँ, यहाँ पर छुप जाता हूँ, पता नहीं यहाँ पर और कितने रोबोट होंगे। ये क्या, यहाँ पर भी एक है। ये ले, ये भी गया मेरे हाथ से, चलो इसको तो मार दिया। एक काम करता हूँ, आराम आराम से जाता हूँ, अगर इसने मुझे देख लिया तो सबको पता चल जाएगा, ये तो बचेगा नहीं मेरे हाथ से। ये ले, ये खा, अब इसकी बारी, इसको भी पीछे से मारता हूँ। ये भी गया। ये लो, अब मुझे फटाफट आगे जाना होगा, वो लोग यही कहीं पर होंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, ये रहे वो लोग। आओ शैडो, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे। अब ध्यान से देखो अपने दोस्तों को, जो कि कुछ ही देर में मरने वाले हैं। सोनिक भी मेरे पास है, जो कि फ्यूचर में मुझे मार देगा, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उससे पहले मैं उसे मार दूंगा और तुम बस तमाशा देखोगे। अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं इन दोनों को अभी के अभी खत्म कर दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। यहाँ तुम्हारा राज नहीं चलता, एक टाइम तुम भी मेरे गुलाम थे और आज भी हो, तुम्हें मेरा कहा मानना पड़ेगा। इस बार नहीं, इस बार मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम तो गए मेरे हाथ से। सबसे पहले इसको मारता हूँ। ये लो, अब तुम कैसे बचोगे, तुम्हारा प्यादा भी मारा गया। अरे ये क्या हो गया, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, जल्दी जल्दी यहाँ से भागता हूँ। ये मैं चला। ये क्या, वो तो भाग रहा है, मुझे जल्दी जल्दी उसका पीछा करना पड़ेगा। एगमैन वही पर रुक जाओ। अरे बाप रे, यहाँ पर तो एक गड़बड़ है, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसने तो मुझे फंसा दिया, यहाँ पर तो पूरे रोबोट की आर्मी है। क्या हुआ शैडो, वहाँ रुक क्यों गए, आओ अगर हिम्मत है तो अभी हाथ लगा के दिखाओ। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे अकेले सामना करो। मुझ में हिम्मत तो बहुत है पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, आज तो तुम मरोगे और अगर तुम्हें झूठ लगता है तो आजमा के देख लो ये क्या हो रहा है। अरे बाप रे, इसके तो सारे रोबोट फूट गए, पर ये सब हुआ कैसे? ये तुमने क्या किया शैडो? ये हमने किया है, जरा पीछे देखो, ये आवाज तो बहुत ही जानी पहचानी है। ये क्या सोनिक, तुम्हें देख के बहुत ही अच्छा लगा। एगमैन अब तुम बचोगे नहीं, तुम्हारा अंत आ चुका है, तुम तो गए मेरे हाथ से। अरे ये क्या, ये तो भाग गया। चलो कोई बात नहीं, किसी न किसी दिन मैं उसे मार ही दूंगा। तुम दोनों ठीक तो हो ना, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आई, मुझे तो लगा था मैं तुम दोनों को नहीं बचा पाऊंगा। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। शैडो जो करना चाहता था उसने वो कर दिखाया, उसने सोनिक और एमी दोनों को बचा लिया और एगमैन भी वहाँ से भाग गया। अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं था। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर देना। मैं आपको मिलूंगा किसी और जगह किसी और स्टोरी के साथ। अरे वह शैडो की स्टोरी तो बहुत ही मस्त थी, और मुझे भी अभी पता चल गया कि ये दोनों कैसे मिले थे। हाँ यार गाइज, ये तो मानना पड़ेगा, और सही सही बताना कि आपको भी ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।